अभी लोग पिलाए पहले हाँ तो एक आए थे वही बोले तो हम लोग सोचे कि अच्छा लाओ पिला कर देख रहे हैं तो पिलाए पानी ला कर पिलाए अच्छा पानी पानी। भी पिलाए। अच्छा हाँ पहले पानी ही सब लोग पिलाए तो अच्छा पी लिए फिर शाम को सब लोग दूध पिलाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 7 डेज डेली। इस समय हम रायगंज तेलिया टोला में हैं। यहाँ पे सुनने में आया है कि नंदी जी मंदिर में नंदी जी जो है दूध पी रहे हैं, तो इसी की पड़ताल करने के लिए हम आए हुए हैं यहाँ रायगंज तेलिया टोला में। तो आइए देखते हैं वाकई नंदी जी दूध पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं। आइए हमारे साथ, आइए आपको दिखाते हैं कि नंदी जी कैसे दूध पी रहे हैं। निकलो निकलो तुम, जरा पिलाइए देखते हैं। निकल जाओ, आप देखिए किस तरह नंदी जी ये माता जी जो है पिला रही हैं दूध, किस तरह जो है दूध पिला रही हैं, और देखिए किस तरह से सच्चाई इसमें है। देखिए धीरे धीरे जो है चम्मच खाली होता जा रहा है, आप देख रहे हैं कि चम्मच जो है धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। आप ये खुद देखिए और निर्णय करिए कितनी सच्चाई है इसमें। आपके सामने एकदम एक्चुअल रिपोर्ट, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आपके सामने किया जा रहा है। देखिए ये पूरा चम्मच जो है खत्म हो गया है। अब देखिए दूसरा चम्मच जो पिलाया जा रहा है नंदी जी को, आस्था पर जो है तमाम लोगों की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। देखिए दूसरा भी चम्मच खाली हो गया, दूसरा भी चम्मच जो है नंदी जी दूध पी गए। अब इसको आप क्या कहेंगे, आस्था कहेंगे, विज्ञान का चमत्कार कहेंगे, अब ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप इसको किस तरह से लेते हैं। देखिए तीसरा चम्मच भी दूध धीरे धीरे देखिए कम होता जा रहा है। देखिए आपको देखिए लाइव दिखाया जा रहा है। अब इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं यह आपके ऊपर है, आस्था से देखते हैं या विज्ञान की नज़र से देखते हैं, जो भी देखें आपकी मर्जी। हमारा काम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से दिखाना था। देखिए ये चम्मच दूसरा तीसरा भी चम्मच खत्म हो गया, तो ये है यहाँ की सच्चाई। और ये है शंकर जी, शंकर जी बताया जा रहा है कि यहाँ दूध और पानी दोनों खत्म होता जा रहा है। दूध पी रहे हैं नंदी कल शाम 5 बजे से नंदी जी दूध पी रहे हैं। कितने लोग अभी तक दूध पिलाए हैं? अब जनता बहुत बहुत लोगों ने बहुत दूर दूर से आए हैं, सब पिला के गए, बहुत दूर दूर से। कहाँ कहाँ से आए होंगे? यहाँ इधर फुर्सतपुर चौराहे, अब इधर बेलवार की तरफ से सब आए हैं, रायगंज अहिरवाती टोले से आए हैं सब, कोरी टोले से आए हैं सब। ये कब से चल रहा है ये सिलसिला? कल 5 बजे शाम को। कल 5 बजे से शाम से नंदी जी दूध पी रहे हैं। कल शाम आप पिलाए हैं? नहीं हम तो नहीं पिलाए हैं, बाकी लोग पिलाए हैं, बाकी लोग बहुत लोग पिलाए हैं, हम नहीं पिलाए हैं। क्या आप दूध पिलाए हैं यहाँ पे? तो क्या आप कहना चाहेंगे दूध, मतलब ये आस्था आपका चरम पे चल रहा है यहाँ पर? महसूस आस्था में चरम पे है। तो आप लोग संतुष्ट हैं? विज्ञान है कि आस्था है? संतुष्ट नहीं, विश्वास है। विश्वास है जी। अच्छा। संतुष्ट से संतुष्ट दूसरी भाषा हो गई। ये संतुष्ट श्रद्धा के हिसाब से जो है हम लोग का विश्वास है कि हाँ पी रहे हैं। अच्छा जी, मैं तो पिलाया भी था और मैं तो फोटो भी खींचा हूँ, देख लीजिए। मैं कल ये बता रहे हैं कि ये पिलाए भी हैं और ये फोटो भी खींचे हैं। एक बार इस नहीं कैमरे देखिए, मेरे मोबाइल में भी देखिए, दिखा दीजिए उधर, दिखा दीजिए। मैं कल शाम लाइव जो है ये दूध पिला के और ये लाइव टेलीकास्ट कराए भी हैं। मैं कल शाम 5 बजे पिलाया था, फिर सुबह आज भी पिलाया हूँ। अच्छा अच्छा, और पूरा दूध पी गए हैं। अच्छा अच्छा, आप लोग भी पिलाए बाबू? हैं पिलाए थे? हाँ पिलाए हैं। कब पिलाए थे? कल शाम 5 बजे। क्या महसूस हुआ दूध पिलाने के बाद, क्या फीलिंग आई? अच्छा लग रहा था। अच्छा लगा। आप पिलाए हैं दूध? हम ही सबसे पहले पिलाए, सबसे पिला आप पिलाई थी। तो क्या आप कहना चाहेंगे, और जो श्रद्धा जिनकी है? हाँ श्रद्धा तो है ही, तभी ना सभी लोग पिलाए, हम ही लोग पिलाए पहले। हाँ
तो एक आए थे वही बोले तो हम लोग सोचे कि अच्छा लाओ पिला कर देख रहे हैं तो पिलाए पानी ला कर पिलाए अच्छा, पानी, पानी पिलाए? हाँ पहले पानी ही सब लोग पिलाए अच्छा, अच्छा। तो पी लिए फिर शाम को सब लोग दूध पिलाए। ये सावन के महीने में इस तरह की घटना क्या कहना चाहेंगी? अच्छा भाबा का शक्ति है और क्या। अच्छा, अच्छा। बोले जी की हाँ चमत्कार है तभी और क्या। चलिए तभी ये सब हो रहा है, कुछ है तभी तो हो रहा है। हाँ हाँ तो देखिए भी नहीं कि गढ़ा है कि पानी कहीं चला जा रहा है, देख लीजिए सब। देखिए कुछ महिलाएं जो हैं दूध पिलाना चालू कर दी हैं। देखिए महिलाएं जो है दूध पिलाना शुरू कर दी हैं, दूध पिलाने का सिलसिला चालू हो गया है। कल इतने ही टाइम से हुआ और भीड़ बढ़ती जा रही है। तो इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों ने देखा है कि ये विज्ञान है या आस्था है, आप ये आपके ऊपर हम छोड़ते हैं, आप इसको किस तरह से लेते हैं ये आपके ऊपर है। जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तब तक के लिए इस रायगंज तेली टोला से मैं राकेश 7 डेज डेली से धन्यवाद।